तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक है। कल का मार्केट का तो देखा, 19 तारीख का जो शुक्रवार का मार्केट का हाल तो देखा, बहुत डाउन गया है। इतना आशा नहीं किए थे कि डाउन जाएगा। तो देखा होगा कि निफ्टी 1.9% डाउन गया। तो अभी म्यूचुअल फंड में इसका असर कैसे पड़ा है देख सकते हो। मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो 1.7% टोटल रिटर्न में डाउन गया है। ये देख सकते हो क्वांट में गया है 1.25%, मोतीलाल में गया 1.35%, HDFC में 1.87%, HDFC स्मॉल कैप में ज़्यादा गया है 2.2%, क्वांट मिड कैप में 2.1%, बैंक ऑफ इंडिया में 2.2%। ऐसे में देख सकते हो ये पोर्टफोलियो का एनालाइज देख सकते हो, कहाँ था मार्केट, कैसे गया ऊपर। दोस्तों जितना मार्केट अप जाएगा उतना डाउन आने का संभव रहता है, ये हमेशा याद रखना ठीक है। ये 6 महीना का देख सकते हो, 1 ईयर का कैसे गया है आप में। तो ये था अपना पोर्टफोलियो का। फिर दिखाते हैं कुछ और बेस्ट म्यूचुअल फंड का। पारस्परिक का देख सकते हो 36 पॉइंट, निपोन इंडिया का 1.33%। तो अभी दिखाएंगे आदित्य बिरयालिया का, दिखाते हैं। ये देख सकते हो 2.5% गया है डाउन। इसमें थोड़ा ज़्यादा गया है क्योंकि ये सरकारी म्यूचुअल फंड है। फिर दिखाता हूँ SBI PSU, ये भी 2.28%, काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। ये देख सकते हो 1 महीने का देख सकते हो, 40 में था, एक दिन में आ गया 38 में। SBI का देख सकते हो 37 में था, अभी आ गया 36 पे। अपना डैशबोर्ड का दिखाते हैं, क्वांट स्मॉल कैप का देख सकते हो 1 महीना में कितना आप और कितना डाउन गया था। 296 तक आप किया था, अभी है 290, 6 रुपया डाउन हो गया। मोतीलाल का देख सकते हो 1 महीना में सबसे 111 तक गया था, 109 पे आ गया। फिर क्वांट मिड कैप का, बैंक ऑफ इंडिया का देख सकते हो 1 महीने का सबसे गया 52 रुपये हाई, अभी आ गया 50 पे। तो ये हाल हुआ है म्यूचुअल फंड। अभी कल जितना डाउन गया था इसमें आप लोग लामसम में यूज कर कुछ इन्वेस्ट कर सकते थे। तो चलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।